आईपीएल 2020 की नीलामी अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और दोस्तों अब सभी 8 टीमों के अपने अपने स्क्वाड पूरी तरह से कंफर्म्ड हो चुके हैं और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम का एकदम पूरा स्क्वाड। तो दोस्तों इस पूरे स्क्वाड को देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा और अगर आप भी चाहते हो कि आईपीएल 2020 में आपकी फेवरेट टीम एक जबरदस्त शुरुआत करे तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक अभी कर दीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों अगर हम दिल्ली कैपिटल्स के पूरे स्क्वाड की बात करें तो दोस्तों इनके स्क्वाड की लिस्ट में आते हैं सबसे पहले दोस्तों श्रेयस अय्यर जो कप्तान भी होने वाले हैं, पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, ऋषभ पंत, ईशान शर्मा, अमित मिश्रा, आवेश खान, संदीप लामिछाने, कगिसोर अबाडा, कीमो पॉल, अक्षर पटेल, हर्षल पटेल, रविचंद्रन अश्विन और साथ ही साथ अजिंक्य रहाणे। दोस्तों इन 14 खिलाड़ियों को तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने पहले ही ऑक्शन से पहले ही अपनी टीम में रिटेन कर लिया था और दोस्तों जिन खिलाड़ियों को इन्होंने ऑक्शन में खरीदा है, जिन नए खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया है दोस्तों उस लिस्ट में आते हैं एक तो दोस्तों मोहित शर्मा, शिमरॉन हिटमायर जिनको इन्होंने काफी बड़ी कीमत में खरीदा है, एक दोस्तों एलेक्स कैरी जो ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर है यह दोस्तों इनके लिए काफी अच्छी बाय है, एक है दोस्तों क्रिस वॉक्स, एक है दोस्तों जेसन रॉय की दोस्तों इनको कुछ ज्यादा जरूरत नहीं थी दोस्तों ये बाय शायद इनकी एक वेस्ट बाय हो सकती है। जेसन रॉय दोस्तों खिलाड़ी तो बड़ा ही जबरदस्त है परंतु इन्होंने एक ऐसे खिलाड़ी को लिया है जिनकी इनको जरूरत ही नहीं है। दोस्तों ओपनर दिल्ली के पास काफी सारे पहले से ही है, पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे और जेसन रॉय का अब दोस्तों ये रहेगा कि वो खेलेंगे कहां, तो अब देखते हैं दोस्तों जेसन रॉय को मौका मिलता है या फिर नहीं। एक है दोस्तों ललित यादव, मार्कस टॉयनेस और साथ ही साथ तुषार देशपांडे। तो दोस्तों इस तरह का रहने वाला है आईपीएल 2020 में दिल्ली कैपिटल्स की टीम का पूरा स्क्वाड। दिल्ली की टीम ने भी दोस्तों आईपीएल के ऑक्शन में काफी ज्यादा शॉपिंग की है, कुछ बड़े बड़े खिलाड़ियों के ऊपर इन्होंने काफी ऊंची ऊंची कीमत लगाई है। दिल्ली कैपिटल्स ने दोस्तों ज्यादातर बड़ी बड़ी बिड्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट लिया था। ग्लेन मैक्सवेल दोस्तों जो 10.75 करोड़ रुपए में बिके थे, 9-10 करोड़ रुपए था दोस्तों दिल्ली ने इनके ऊपर खूब पैसा लगाया था बट अनफॉर्चुनेटली वह इनको खरीद नहीं पाए। तो दोस्तों यह था दिल्ली कैपिटल्स की टीम का पूरा स्क्वाड। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी टीम आईपीएल 2020 में जीत सकती है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा ज्यादा अपने साथ शेयर कीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।